जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग MS Excel जो है बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, और आज का हमारा जो क्लास है वह क्लास 14 है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डेटा टैब, ठीक है। और डेटा टैब के अंदर आज हम लोग देखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर को, बहुत बारीकी से समझेंगे और पूरा बेसिक टू एडवांस तक समझेंगे, ठीक है। अगर आप यह वीडियो को पहली बार देख रहे हो और इसका जो है पिछले का पार्ट आप नहीं देखे हो और उसको आप MS Excel जो है पूरा बिल्कुल से शुरू से सीखना चाहते हो, तो इसका पूरा के पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राहुल राज सूर्या सर आप सभी का स्वागत करता हूँ सिखामाइज एकेडमी में। तो हम लोग क्या किए थे, होम टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट एंड फार्मूला टैब का पूरा सेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेटा टैब का जो है गेट एक्सटर्नल डेटा एंड कनेक्शन, पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो है हमारा शॉर्ट एंड फिल्टर का बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। वैसे शॉर्ट जो है यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट का जो हम लोग यूज किए थे होम टैब में, हम लोग यहाँ पर भी देख लिए थे शॉर्ट एंड फिल्टर में, ठीक है। यहाँ पर भी इस चीज़ को यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आप सभी को थोड़ा इसको बता देता हूँ ताकि आपको इसका क्या हो, रिविजन हो जाए, और जो लोग न्यू है, ठीक है, नए हैं, उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है, पहले ये समझते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर में इस यह सेक्शन है आपका, ठीक है। शॉर्ट का जो यहाँ पे ए टू जेड दिया हुआ है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, आप चाहते हो कि उस डेटा को आपको फिल्टर करना है, आपको किस तरह से फिल्टर करना है, ठीक है। जैसे आप चाहते हो कि पहले जो है ए लेटर वाले जितना भी आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, वो आपको पहले शो हो, उसके बाद बी वाले शो, फिर सी वाले, ठीक है। उसी तरह से ए से जेड तक आपको शो करना है, तो उस तरह से आप कर सकते हो। कैसे करना है, आपको सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं ए टू जेड पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखो ए टू जेड पे क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, हमारा जो ये जो डेटा है, ठीक है, वो पहले से ए टू जेड में है। देखिए आप सब यहाँ पे देख सकते हो, एस है तब एम है तब आर है, एम यहाँ पे देख सकते हो एम आर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अरेंज है पहले से ही। अगर सेम अगर हम क्या करें, इसी डेटा को हम इस तरह से फिर से सिलेक्ट करके अगर जेड टू ए पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जेड टू ए में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि जो पहले एस वाला है वो आ गया, फिर आर आया है फिर से, ठीक है, इस तरह से आ गया है डेटा। यहाँ पे स्पेसिफिक सभी चीज़ें लेके नहीं चलेंगे, पहले यहाँ पे जो नेम है इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, थीके? उसके बाद आते हैं ए टू जेड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इस तरह का आपको ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो है ए से पहले जो है क्या हुआ, पहले एम वाला डेटा आ गया जितना था, उसके बाद आर वाला शो कर रहा है, फिर आर, ठीक है, यहाँ से आर वाला इस शो कर रहा है, फिर एस वाला जो भी डेटा था उस तरह से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर फिर से इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जेड टू ए वाले जो सेक्शन है इस पर क्लिक करते हैं और इसको करते हैं शॉर्ट पे क्लिक, तो देखो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, एस वाले ऊपर आ गया, फिर से आर वाले, ठीक है, इस तरह से क्या हुआ हमारा डेटा को हम इसको क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक है शॉर्ट का, ठीक है, इसको कैसे करना है अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो क्या करना है, इस तरह का आपके पास यहाँ पे पॉपअप ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दोनों पहले आपको समझ में आया, ए टू जेड और जेड टू ए, ठीक है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट देख रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कॉलम में पूछेगा कि आप किसके थ्रू इसको फिल्टर करना चाहते हो, ठीक है, शॉर्ट करना चाह रहे हो। तो हम कहेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर, और इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको सेल का कलर है और कलर वाइज ये यहाँ पे देखना चाहते हो तो भी कर सकते हो। वैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज रहने देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर दिखेगा आपको, यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट टू स्मॉल करना है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लार्ज करना है, ठीक, यानी छोटा से बड़ा आपको देखना है कि बड़ा से छोटा हम करते हैं। चलो यहाँ पे जो है मेरा सीरियल नंबर जो है यहाँ पे सब बिखर गया है, तो यहाँ पे छोटे वाले से डबल हम लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको ओके करेंगे। देखो यहाँ पे मेरा जो डेटा था पहले जैसे यहाँ पे अरेंज हो गया है, यानी क्या किया पहले वन है या फिर टू फिर थ्री इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर शॉर्ट पे क्लिक करके, ठीक है, फिर से हम लोग अगर नेम वाइज देखना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको नेम हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज हम लोग यहीं पे वैल्यू भी रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑर्डर में जो है यहाँ पे जेड ए टू जेड एंड जेड टू ए आ गया है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ए टू जेड पहले शो, ठीक है, यानी कि पहले जो ए वाला जो नेम है वो शो, फिर बी वाला शो, फिर सी वाला, इसी तरह से जेड तक, ठीक है। तो हम ओके करेंगे तो देखो उसी तरह से सेम फिर से हो गया है, हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, फिर से क्या करते हैं शॉर्ट पे क्लिक करते हैं। एक चीज ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है, अगर बाहर हम इसको सिलेक्शन इसको हम अलग सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, जो हम आपका डेटा है उस डेटा के अंदर कहीं पर भी आप इसको सिलेक्ट रहने दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करो और फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे जेड टू ए करते हैं और ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे जेड टू ए भी हो गया है, ओके। उस तरह से फिर से हम आते हैं यहाँ पे, आप डिपार्टमेंट से देखना चाहते हो डिपार्टमेंट पे क्लिक करो, ठीक है, इसे वैल्यू रहने दो। यहाँ तो ए टू जेड आप करना चाहते हो, ठीक है, तो ए टू जेड पे मैं क्लिक करके इसको ओके करूँगा तो देखो पहले जी से आ गया, यानी गाइडर आ गया, फिर मैनेजर आके पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे पियोन यहाँ पे वर्कर्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप सैलरी वाइज भी कर सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रहने दो, यहाँ पे स्मॉल टू यहाँ पे जो है लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको ओके करोगे तो देखो इस तरह से यहाँ पे डेटा हमारा आ गया है, ओके। तो आप इस तरह से भी डेटा ला सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा कर लेता हूँ, इसको सीरियल नंबर करते हैं और यहाँ से इसको जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वन से लेकर टेन तक हमारा डेटा आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो शॉर्ट वाला जो है इसको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे फिल्टर का बात कर लेते हैं। तो फिल्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कर्सर है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि हमारा जो कर्सर जो यानी कि हमारा जो सिलेक्ट जो हम कर रहे हैं वह क्या होना चाहिए, हमारे डेटा हमारे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक। अगर यहाँ पे अलग सिलेक्ट नहीं होना चाहिए तो फिर ये काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग को जो डेटा है वो अंदर मिक्स होना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं फिल्टर पर क्लिक करेंगे। देखो जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो देखो इसके जो आ गए हैं यहाँ पे सीरियल नंबर नेम, इसके आगे कुछ ए वाला बटन आ गया है, ठीक है। फिर से फिल्टर पे क्लिक करेंगे देखो तो ये हट गया है, फिर से आपको लगाना है तो इस पर क्लिक करो। हमारा ये जरूरी नहीं है, फिर से इसको क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका ये हेडिंग जो है ये वाला, ठीक है, इसी को आपको सिलेक्ट करके रखना होगा तभी जाके यहाँ पे आएगा, नहीं आप कहीं पे भी क्लिक रखो, इसको कहीं पे भी सिलेक्ट करके रखो, उसके पे फिल्टर पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिक क्या कर रहा है यहाँ पे जो इसका हेडिंग बोल सकते हो इसको, ठीक है, या टाइटल बोल सकते हो, ठीक है, उस पर एक कर्सर आ जाता है, ठीक है। देखो इसको हटाना है तो फिर से फिल्टर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर से लगाना है तो इस पर करो तो क्लिक तो ये आ जाएगा। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है वो देखो थोड़ा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सीरियल नंबर देखना चाहते हैं, तो अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब दिखाई देगा, ठीक है, या हम इसको छोड़ो नेम यहाँ पे हम क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाइज हम लेते हैं, ठीक है, या पहले हम लोग नेम वाले देख लेते हैं नेम से। चलो चलो नेम से ही देखते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सिलेक्ट ऑल है, ठीक है। अगर आपको जो है आपके केस में बहुत सारा एम्प्लॉय है, ठीक है, आपके कंपनी में और आपका बॉस कहता है कि तुम जो है मुझे सुरेश नाम का जितना भी एम्प्लॉय है, ठीक है, उसका ओनली उसी का डेटा हमको ला कर दो, ठीक है, तो आपके पास तो लिस्ट है तो आपको क्या करना है सिंपल सा इस तरह से फिल्टर करोगे और नेम पे क्लिक करके क्या अगर इसको सिलेक्ट ऑल को हटा देंगे और यहाँ पे सुरेश वाले को मांगा है तो यहाँ पे सुरेश को चेक करके इसको ओके करेंगे। अब देखो यहाँ पे इस आपके कंपनी में जो है सुरेश नाम से जितना भी आपका यहाँ पे इम्प्लॉय है वो आ गया है, एक सुरेश जो मैनेजर है, एक सुरेश वर्कर है, फिर यहाँ पे थर्ड नंबर भी मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर देख सकते हो इसका, यहाँ पे आईडी कार्ड एम्प्लॉय आईडी कार्ड हो सकता है, ठीक है, आईडी नंबर हो सकता है, यहाँ पे सभी का सैलरी शो कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है। ऊपर में आपको एक क्लियर है, ठीक है, क्लियर जो बटन है आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है,
अगर आप चाहते हो कि ठीक है इसका काम हो गया है इसको हटाना, तो इस पर क्लिक करोगे ये हट जाएगा, ठीक है पहले जैसा हो जाएगा। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज जो आपका बॉस बोल रहा है कि आपके केस में जो है जो मैनेजर है ओनली, ठीक है उसी का डेटा हमको ला के दो, तो इसके आप क्या करोगे सिंपल से डिपार्टमेंट पे क्लिक करो और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को हटा के यहाँ पे क्या कर दो, आपको यहाँ पे जो मांगा है मैनेजर मान लेते, ठीक है आपका बॉस जो है मैनेजर का डेटा मांग रहा है, तो मैनेजर पर क्लिक करके इसे ओके कर दो। देखो आपके कंपनी में जितने भी इम्प्लॉय होगा जो मैनेजर पद पर होगा, ठीक है उसी का डेटा यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पे ओनली सुरेश ही है, ठीक है आपको लग रहा होगा कि ओनली सुरेश पहला इशू कर रहा है, ठीक है तो आप क्या कर सकते हो फिर से यहाँ पे क्लिक करो, हम इस बार क्या करते हैं वर्कर को ले लेते हैं, मैनेजर को हटा देते हैं, ठीक है इसको करते हैं ओके। देखो जितने भी कंपनी में हमारा वर्कर है, ठीक है वो यहाँ पे उसका डेटा यहाँ पे शो होने लगा है, ठीक है आप इस तरह से क्या कर सकते हो डिपार्टमेंट वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हो। अब इसको हम करते हैं क्लियर पे क्लिक, ठीक है अब आप क्या कर सकते हो सैलरी वाइज भी कर सकते हो। किस तरह करना है सेम वही टेक्निक है वही, ठीक है आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट ऑल को हटा देना है। अब आपका बॉस बोल रहा है कि 5000 से जो है 5000 जिसका जिसका सैलरी है वो उसका डेटा हमको लागे दो, तो इसको आप 5000 पे क्लिक करके इसको ओके करो। अब यहाँ पे बता रहा है ठीक है कि तीन आपका एम्प्लॉय है सुरेश राम और फिर से सुरेश, जिसका सैलरी जो है यहाँ पे 5000 है, ठीक है तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो इसके डेटा को जो है फिल्टर आउट कर सकते हो। ओके तो आई होप कि आपको ये जो फिल्टर है इस भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है अब इसको जो सेक्शन है ठीक है ये सारी चीज़ें इसको हटाने के लिए क्या करेंगे फिल्टर वाले पे फिर से क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा हमारा, ठीक है आई होप कि आपको ये शॉर्ट एंड फिल्टर है समझ में आया होगा। अब एक चीज़ है इसमें आपका एडवांस है ना, ये एडवांस मेन चीज़ आपको शॉर्ट एंड फिल्टर वाला सेक्शन में सीखना है, वो एडवांस सीखना है क्यों, क्योंकि एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एडवांस पे क्लिक करते हैं तो देखो इस तरह का यहाँ पे पॉपअप ओपन होकर आता है, ठीक है यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा समझना है, लेकिन कैसे समझेंगे पहले क्या करते हैं थोड़ा सा इसको कट करते हैं, पहले कैंसिल करते हैं अभी समझते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ यहाँ से कुछ नेम जो है इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, कैसे करना है राइट क्लिक करके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके देखो यहाँ पे एक नेम का डेटा जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे जो सुरेश है ठीक है हम चाहते हैं सुरेश का नाम आए तो यहाँ पे क्या करते हैं सुरेश को भी कॉपी करेंगे, आप यहाँ पे चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम यहाँ पे बचे, ठीक है अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा एडवांस वाले एडवांस क्या है, ठीक है अब इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है हम चाहते हैं जो एडवांस वाला फिल्टर है, अभी तक हम लोग फिल्टर एक कर रहे थे तो क्या कर रहे थे इसी डेटा में हम लोग कर रहे थे, ठीक है अगर हम चाहते हैं कि इसका जो फिल्टर हो वो क्या हो इस डेटा वाले टैब से अलग हमको शो मतलब अलग में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है आपको सिंपल से एडवांस पे क्लिक करो, इस तरह का ऑप्शन पॉपअप ओपन हो रहेगा। ठीक है आपको यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे दिख रहा होगा, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और सेकेंड है कॉपी टू अनदर लोकेशन। ठीक है हम ये कॉपी वाले को भी बाद में देखेंगे, ठीक है लेकिन उससे पहले हम लोग पहले वाले को देख लेते हैं फिल्टर इन द लास्ट इन द प्लेस वाले। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लिस्ट रेंज, ठीक है आपको क्या करना है इसको डिलीट करना है यहाँ से। ठीक है अब यहाँ पे जो आपका लिस्ट है इसको आपको हेडिंग जो है ऊपर, ठीक है हेडिंग के सहित आपको क्या करना है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है ये हमारा डेटा का रेंज हो गया। अब यहाँ पे बोला क्राइट एरिया रेंज, ठीक है क्राइट एरिया रेंज जो आपको दिख रहा है, ठीक है आपको क्या करना है कि यहाँ पे नेम है और सुरेश है दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है इसको हमको ओके करना है। ओके करने के बाद क्या होगा देखो कि इसमें से जो सुरेश वाले नाम का जो भी डेटा था, ठीक है ओनली सुरेश का ही शो कर रहा है। क्यों कर रहा है ठीक है इसके लिए हम क्या करते हैं क्लियर पे क्लिक करते हैं। आप देखो क्यों कर रहा था क्योंकि यहाँ पे नेम जो है हम लोग सुरेश के लिए थे, ठीक है यानी हम चाह रहे थे कि यहाँ पे जो सुरेश नाम का जितना भी इम्प्लॉय है उसी का डेटा शो कहाँ अलग लिस्ट में, ठीक है तो उससे हम उसी तरह से किए थे। किस तरह करेंगे इसको एडवांस पे क्लिक करो, यहाँ पे लिस्ट रेंज में क्या करेंगे इसको हटाएंगे पहले, उसके बाद अपने पूरा डेटा को यहाँ से इसको रेंज देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज इसको भी हटाएंगे। ठीक है यहाँ पे नेम और इसको सुरेश दोनों को इसको सिलेक्ट करके इसको ओके करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ सुरेश वाले जो भी है एम्प्लॉय आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ओके अब देखो यहाँ पे फिर से मैं क्लियर पे क्लिक करता हूँ हट जाएगा। ठीक है अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ठीक है हम क्या करते हैं डिपार्टमेंट वाले को भी यहाँ पे कॉपी करते हैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है चलो इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि छोटा अभी शो हो रहा है। ठीक है
अब देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि सुरेश तो है ही, ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो सुरेश है, सुरेश का डेटा तो हमको ला के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फिल्टर करके बता ही दे रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे सुरेश जो है, ठीक है, ओनली मैनेजर, यानी कि हो सकता है कि आपके कंपनी में जो सुरेश नाम का मैनेजर पद पे हो, ठीक है, या हो सकता है कि सुरेश नाम का एम्प्लॉय जो है बहुत बहुत हो, और उसमें कोई वर्कर हो, प्योन हो, ठीक है, उसमें कोई मैनेजर हो। तो आपका बॉस बोला है कि आपका जो सुरेश नाम का है वो मैनेजर है, उसी का डेटा हमको चाहिए। तो आपको क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिस्ट रेंज दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, आपको पूरा डेटा को यहाँ पे इसको रेंज दे देना है। उसके बाद यहाँ पे क्राइट एरिया रेंज जो आपको दिख रहा है इसको हटाएंगे और क्या करेंगे, नेम के साथ इसका डिपार्टमेंट दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको करेंगे ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सुरेश है जो मैनेजर है, ठीक है, उसी का डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको बैकग्राउंड से कुछ नॉइस जा रहा होगा तो उसके लिए आप उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि अभी जो है जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके आसपास में जो है कुछ काम हो रहा है घर का, ठीक है, उस वजह से आपको यहाँ पे नॉइस सुनाई दे रही होगी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, बट पहले आप इसको समझो, ठीक है, इसको सीखो आप, ठीक है, तो इस तरह सब कर सकते हो। फिर से आप क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर ये देखो एडवांस वाले में जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आप एक एक लिस्ट, जैसे कि मैं नेम और डिपार्टमेंट यहाँ पे कॉपी किए थे, आप चाहो तो पूरा पूरा लिस्ट को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे इसको क्या करते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो डेटा है यहाँ पर भी आ गया है। अब यहाँ पे जो है हम चाहते हैं मुकेश का जो डेटा है यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको नेम वाले सेक्शन में लिया के हो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको हम क्या करते हैं, पहले इससे हम इसी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन वाला समझेंगे, पहले फिल्टर वाला ही समझ लेते हैं। तो क्या करेंगे, लिस्ट रेंज में इस डेटा का रेंज देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्राइट एरिया रेंज जो आपको दिख रहा है इसको हटाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, नीचे से लेके मुकेश और जो डिपार्टमेंट है ये पूरा सिलेक्ट करने के बाद, ठीक, इसको ओके करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो भी डिटेल हम लोग सिलेक्ट किया था वो मुकेश का जो भी डेटा है, प्योन है, ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी नंबर शो कर रहा है या सीरियल नंबर, ठीक है, जो भी है उसी का डेटा यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका डेटा जो है वो अलग लोकेशन पे आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडवांस, एक मिनट, इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो हम डेटा जो हमारा डेटा यहाँ पे, लेकिन हमारा कर्सर यहाँ पे सिलेक्ट हम यहाँ किए थे इसलिए एरर आ रहा है। देखो एक बार फिर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब क्या करते हैं, डेटा वाले पे क्लिक करके इसको एडवांस पे क्लिक करो, सॉरी, ठीक है, इसको हम अलग रखते हैं। अभी क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करेंगे, एक मिनट, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा था, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से सभी को यहाँ पे जो हमारा डेटा है, ठीक है, उतना को सिलेक्ट करके इसको लिस्ट रेंज देंगे। अब यहाँ पे करेक्ट एरिया बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन हम लोग क्लिक करते हैं, लिस्ट रेंज यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिलेक्ट है लिस्ट रेंज। अब करेक्ट एरिया रेंज पे क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, किसको, इस वाले डेटा को पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, नेम एंड डिपार्टमेंट, ठीक है, हम इसी दोनों को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे कॉपी टू बोल रहा है, यानी कि आप ये बोल रहा है कि आप कहाँ पे इसका डेटा जो है शो करना चाहते हो, यानी यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्टर यहीं पे कर रहे हैं इसी शीट पे। आप चाहो तो कोई अदर सीट पे भी यहाँ पे ला सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अदर सीट पे भी ला सकता हूँ डेटा को, है ना, ठीक है, या मैं यहीं पे आप सभी को दिखाता हूँ, शो करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं। देखो हमारा जो डेटा था, ठीक है, वो डेटा यहाँ पर भी शो होने लगा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉपी होके यहाँ पे आ गया है, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको इस पूरा पूरा जो है वीडियो, आपको शॉर्ट एंड फिल्टर वाला सेक्शन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया होगा तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना और बढ़िया से देखना, ठीक है। और एक मैं आपको टिप्स दूंगा कि अगर आपको ये चीज़ भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता है, तो आप क्या किया करो, इस वीडियो के साथ साथ आप इसको प्रैक्टिस भी किया करो, ठीक है, फिर आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कैसे कैसे इसको करना है। और वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, वीडियो को दोबारा देखो, वॉच करो, बाकी बढ़िया से सीखो, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे जितने लोग हमारे वीडियो देखते हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है।
तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इसी तरह से हमारा जो है एक्सेल का क्लास या आने वाले बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट क्लास या टॉपिक आपको छूट जाएगा, ठीक है, फिर आपको सीखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के शेयर जरूर करना, ताकि उसको भी आपकी तरफ से कुछ हेल्प हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटा टूल्स और यहाँ पे आउटलाइन, ठीक है, फिर हमारा रिव्यू एंड व्यू टैब भी रह जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप कवर करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।